खरगोन जिले में कोरोना महामारी ने ऐसे पैर पसारे हैं कि संक्रमितों का आंकड़ा निमाड़ के अन्य जिलों खंडवा बड़वानी बुरहानपुर की तुलना में पार होते दिख रहा है। वहीं प्रशासनिक अमले की लाख कोशिशों के बावजूद भी बीमारी का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल खरगोन जिले में शनिवार देर रात आई रिपोर्ट में 29 लोगों के कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है, जिसमें शासन प्रशासन की चिंता और अधिक बढ़ गई है। लिहाजा जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 650 तक पहुँच गई है। इस दौरान प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी दिव्येश वर्मा ने मीडिया के माध्यम से आमजन से अपील की है कि मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंस का पालन करके महामारी से बचा जा सकता है। वहीं रूबरू अधिकारी ने यह भी बताया कि जिले के बाहर से आने वाले लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रबंध समिति ने उपयुक्त निर्णय लेकर प्रस्ताव पारित कर दिया है। खरगोन संजय तिवारी की रिपोर्ट। रिपोर्ट आई है सर, कितनी रिपोर्ट आई है? कल 29 रिपोर्ट आई है, जिसमें से 8 अपने खरगोन के हैं और 7 करई के हैं और 11 है खोड़ी के। अपने टोटल हो गए 646, 17 डेथ है और 437 अपने रिकवर हो गए हैं। का संदेश देना चाहोगे जी? अभी मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। संदेश तो ये है कि पहले तो मास्क पहने, सबसे पहले किसी से भी बात करें, दूरी मेंटेन करें, कम से कम 3 फीट या 1 मीटर की, और मास्क पहने और बिना साबुन से हाथ धोए चेहरे को छुए और आंखों पे गागल भी लगा। शासन स्तर पे जो चल रहा है वो चल ही रहा है। लॉकडाउन को थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए अपन यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे कि शनिवार शाम से लगता है तो मंडे भी रहता है, ट्यूजडे को ही खुलेगा, ये चल रहा है। फिर अपनी टेस्टिंग चल रही है, सर्च चल रही है, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। सर, बाहर से आने वालों को 14 दिन, बाहर से आने वालों के लिए कल डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में मीटिंग हुई थी, तो उसमें डिसीजन लिया था कि जो भी बाहर से आएगा उसको 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। मतलब सर, इस आदेश के बाद बाहर से जो भी आने वाले हैं सतर्क हो जाएं, सतर्क 14 दिन तक घर से बाहर निकल, या तो जाए नहीं बाहर, और यदि जाए तो फिर 14 दिन घर के अंदर ही रहना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।